A bag contains 10 white balls and 15 black balls. Two balls are drawn in a succession without replacement. Find the probability that the first ball is white and second is black. तो पहली बॉल क्या हो? व्हाइट हो, ठीक है? तो पहली बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ W 1, इट इज इक्वल टू, तो टोटल 10 व्हाइट बॉल्स है और टोटल 25 बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 बाय 25, इट इज इक्वल टू 2 बाय 5. अब क्या है, रिप्लेसमेंट किया नहीं हमने, तो अब क्या है, सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज ब्लैक. टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 15, और टोटल बॉल्स कितनी है? 24. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 5 बाय 8. तो सेकेंड बॉल क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी. नाउ तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है कि पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए और पहली बॉल व्हाइट होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए. तो ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो होना क्या चाहिए? पी डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन बी टू. तो इट इज इक्वल टू वॉट? Probability of W1 into probability of second black. तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 2 by 5 into 5 by 8, विच इज इक्वल टू 1 by 4. तो प्रॉबिलिटी क्या आ गई ऐसा होने की? इट इज इक्वल टू 1 by 4. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.